एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं पैरिस लग्जरी सैलों एंड स्पा में। ये एंटर करते इतना सुंदर है, सामने इतने सारे इन्होंने प्लांट्स लगाए हैं एंड इट हैज़ वेरी गुड ब्रांड्स। तो हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं एंड आई हैव कम हियर फॉर हेयर कट। सो जस्ट लुक एट द वेटिंग लाउंज, इट वॉज सो नाइस। और यही यहाँ पर इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये रहा वो वेटिंग लाउंज विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये सामने जो विंडो है इसका व्यू मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, सारा बाहर से सिटी दिखती है। दिस वेटिंग लाउंज इज़ वेरी नाइस, एटलीस्ट जब तक मदर्स दे आर इन साइड एंड दे आर गेटिंग सम ट्रीटमेंट डन एंड दे आर ऑल्सो रिलैक्सिंग इन साइड, तो किड्स और देयर फैमिली विल बी हेयर कम्फर्टेबली, डबल रिलैक्सेशन फॉर देम। तो यहाँ से वेटिंग लाउंज से आप अंदर एंटर होते हैं एंड हेयर यू कैन सी द ट्रीटमेंट रूम। और यहाँ पर है पेडिक्योर मेनिक्योर एरिया एंड अलॉन्ग विद इट हेयर वॉश एरिया ऑल्सो। और इसके ऑपोजिट में ही हेयर कट एरिया है। जब आप एक बहुत छोटी सी सिटी में होते हो ना और एक इतना अच्छा सा सैलून आपको दिखता है विद सच गुड ब्रांड्स, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये मेरा हेयर कट हो रहा है। Arya, what are you having? Tea. So my daughter wanted tea, so she is having her tea. मेरा हेयर कट हो गया। तो मेरी फ्रेंड का भी अभी हेयर कट हो रहा है। सो बोथ ऑफ अस थॉट कि हम दोनों यहाँ पर मसाज चेयर में थोड़ा रिलैक्स करते हैं। इट वॉज अ फर्स्ट टाइम फॉर हर और वो इतना डरी हुई है। दिस इज द व्यू फ्रॉम द विंडो, पूरा ट्रैफिक यहाँ से दिखेगा और थोड़ी सी सिटी। दिस इज वन मोर ट्रीटमेंट रूम, एज यू कैन सी पीपल आर टेकिंग हेयर स्पा ओवर हियर। तो यहाँ पर एम्बियंस इज वेरी गुड, एज यू कैन सी द लाइट्स आर डिम। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी अरोमा थी, ऑफ कोर्स ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स एंड द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग। तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री सा माहौल है एंड यू कैन ईजिली रिलैक्स ओवर हियर। तो यहाँ से अंदर जाकर ये इनका स्पा रूम है। लुक एट द इंटीरियर्स, दे आर सो नाइस। ये एक और रूम है एंड एज यूजुअल शी इज़ हाइपर एक्साइटेड। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, इट वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग। तो फ्रेंड्स अब हम पहुँच गए हैं अपने हिरानियन फ्रेंड्स के घर पे। और ये जो आप वॉल आर्ट देख रहे हैं ये है पर्शियन गलमजनी, जिसको मेटल पे इंग्रेव करते हैं। और ये जो ब्लू वाला है ये पर्शियन मीनाकारी वर्क है। ओके, तो यहाँ पर मिस्टर बेहजाद हमें आज सिखा रहे हैं ईरानियन टी बनाना। जो टी लीव्स हैं वो भी ईरान की हैं एंड माय हस्बैंड एंड आई वी बोथ आर टी लवर्स। इन फैक्ट वी लव ऑल द टाइप्स ऑफ टी, वेदर इट्स ग्रीन टी, ब्लैक टी, एनी फ्लेवर टी, ऑल टाइप्स ऑफ टी। Okay.
Yes, steam. Yeah. But in my country, we have a kettle. Put it on the fire. Okay, and below that is a steamer. Yeah. And with the steam. Like they make momos. Look at the vegetation, guys. So the tea is ready to be served. Thank you so much, Mr. Behzad, for this wonderful Iranian tea. The aroma and the flavor of the tea was very different because of the tea leaves and the way he had brewed it. Aur ye raha red velvet cake made by me. Tan tan. ये ड्राई फ्रूट बॉक्स है जो कि हैंडमेड है, पर्शियन है. और यहाँ पर ये हम फोटोज़ लेते हुए हैं. थैंक यू सो मच फरजाना एंड मिस्टर बेजाद फॉर ऑल द एफर्ट्स, लव एंड द वंडरफुल टाइम वी हैड टुगेदर.